काफी हद तक जान चुके हैं, वेव्स मिक्सेस एग्जाम कहती हैं, साउंड वेव्स हो सकती हैं, लाइट वेव्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं और वाटर वेव्स हो सकती हैं। लाइट वेव्स और ये जो साउंड वेव्स हैं इन्हें हम लोग आसानी से देख नहीं सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह को, इनको देखने के लिए हम मुख्तलिफ एग्जाम के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमें आम आंख से नज़र नहीं आती। तो मुख्तलिफ एग्जाम के मज़हर को या फिनोमिना वगैरह को देखने के लिए हम लोग मुख्तलिफ एग्जाम के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बीट्स में किया था। और उस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से हम लोगों को ये मालूम हो जाता है कि नेचर में ये फिनोमिना किस तरह से अकर होते होंगे और किस तरह से रिएक्ट करते होंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट कर लीजिए, ये हमारे पास एक रॉड है और ये दूसरी रॉड है। इस रॉड ए, इसका एक पॉइंट ए है और इसका एक पॉइंट बी है। इसके साथ मैं नायलॉन का कोई थ्रेड या कोई रबर बैंड फिक्स कर देती हूँ, इसके दोनों पॉइंट फिक्स हैं। और अब अगर आप में से कोई इस रबर बैंड को आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, ये बहुत ईजी सा और कॉमन सा फिनोमिना है, इसे डेली लाइफ में अक्सर लोग करते रहते हैं। अगर आप इसे दरमियान से प्लग करेंगे तो होता ये है कि ये नायलॉन का थ्रेड या रबर बैंड इस तरह से एक लूप बनाकर लूप बना लेता है और इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो जब इस तरह से लूप बन जाए, वेव्स में भी जब वेव्स आपस में इस तरह से अमल करें कि वो लूप बनाएं, तो हम कहते हैं कि इस तरह से जो लूप बनते हैं वेव्स में, वो उसी वक्त बनते हैं जब उनमें स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रही हों। स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसके लिए हमारे पास दो वेव्स का होना मस्ट है, यानी कि इसमें एक बेसलाइन होती है, ये वो हमारी बेसलाइन है जिस पे हमारी दोनों के दोनों वेव्स मूव करेंगी। ये हमारी वेव ए है, ये वेव ए इस डायरेक्शन में है इस तरह से। और अब हमारे पास एक दूसरी वेव बी है जो कि बिल्कुल इसी के साथ इसी की फ्रीक्वेंसी जितना मूव करती है, इसी बेसलाइन पे मूव करती है, बस फर्क ये है कि वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, वो इस तरह से मूवमेंट शो करती है। तो जब इस तरह का फिनोमिना हो कि दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम हो, इसकी फ्रीक्वेंसी वी एफ ए है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ बी है, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि एफ ए बिल्कुल इक्वल है एफ बी के, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, दोनों एक ही बेसलाइन के ऊपर मूव करते हैं और साइमल्टेनियसली ही मूव करते हैं, बस फर्क इस चीज़ का है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करते हैं। अगर वेव ए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेव बी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तभी हमारे पास इस तरह से लूप बनते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं। आप इसे इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ये वेव्स हैं, ये एक ही बेस लाइन के ऊपर प्रोड्यूस हो रही हैं और दोनों वेव्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इनमें जो है लूप्स बन जाते हैं और ये लूप सिर्फ इनके डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से बनते हैं, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है, ये एक ही वेव लाइन के ऊपर मूव करते हैं, बिल्कुल एक साथ ही मूवमेंट शो करते हैं। बस अगर एक वेव इस तरफ जा रही है तो दूसरी वेव बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लूप्स बन जाते हैं। और जब भी स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो उसमें दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ वो जहाँ पर मीडियम्स के पार्टिकल्स बिल्कुल स्टेशनरी हालत में, यानी कि इनमें एम्पलीट्यूड इतना, उनका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा ना हो और उनकी इमोशन भी इतनी ज़्यादा ना हो, बल्कि वो स्टेशनरी हो, तो उन पार्ट को हम लोग कहते हैं कि ये नोड्स हैं। और मीडियम्स के वो पार्टिकल्स जहाँ पर जो है वो हिस्सा जहाँ पर मीडियम्स के पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, उन पार्ट को हम लोग कहते हैं कि ये एंटी नोड्स हैं। एंटी नोड्स को मोस्टली हम लोग कैपिटल ई से और नोड्स को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक नोड और एक एंटी नोड का एक लूप के अंदर होना मस्ट होता है, और जब ये दोनों चीज़ें एक लूप के अंदर होती हैं इसका मतलब है यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रही हैं। स्टेशनरी वेव्स के फिनोमेना को समझने के लिए हम लोग खुद एक एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर लेते हैं कि ये हम लोगों ने एक रॉड ले लिया और ये दूसरा रॉड, हम लोगों ने इसमें जो है इसी तरह से एक लूप बना लिया कि अगर ये उसका एक नायलॉन का थ्रेड या रबर बैंड था, उसको अगर मैं सिर्फ मिडल से प्लग करूँ, मिडल से ही खींचूँ, तो मेरे पास इस तरह से लूप बनेगा, इस तरह से एक लूप बनेगा जो कि इस बेस लाइन के ऊपर ही होगा, ये एक लूप बनेगा। और हमें मालूम है कि जब एक कंप्लीट वेव हो, यानी कि इस चीज़ को देखा जाए तो ये एक क्रस्ट था और ये हमारा एक ट्रफ, यानी कि एक वेवलेंथ। और जो वेव बी है उसकी बात की जाए तो ये इसका एक क्रस्ट ट्रफ और एक इसका क्रस्ट, मतलब कि ये एक कंप्लीट वेवलेंथ होगी हमारी, ये चीज़ एक कंप्लीट वेवलेंथ है। और एक वेवलेंथ के अंदर एक क्रस्ट और ट्रफ का होना ज़रूरी है। और हम चूंकि स्टेशनरी वेव की बात कर रही हैं, एक ऐसी वेव, ऐसा फिनोमिना जिसमें दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं एक ही बेस लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब है उसमें उस वक्त दो लूप्स का होना ज़रूरी है, एक लूप ये हो गया
और हमारे पास दूसरा लूप ये हो गया। और अगर हमारे पास एक लूप बने तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वेवलेंथ है, जो इसकी लेंथ है, वो लैम्डा बाय टू है, यानी कि एक कंप्लीट लैम्डा नहीं है बल्कि लैम्डा का आधा हिस्सा बना है। अगर दूसरा लूप भी बन जाता तो हम ये कह सकते थे ये कंप्लीट एक वेवलेंथ है, लेकिन अब चूंकि एक हमारे पास लूप बना है तो हम लोगों को ये कहना चाहिए कि जो टोटल लेंथ है वो लैम्डा बाय टू है। हमें ये भी मालूम है कि हर वेव के प्रोड्यूस होने की कोई ना कोई स्पीड होती है, कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है, कोई ना कोई वेलोसिटी होती है। और अगर हम लोगों को स्टेशनरी वेव्स की भी स्पीड बतानी हो तो हम लोग जो है वेव्स का फॉर्मूला, जो कि फेमस फार्मूला है वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसके जरिए हम लोग इसकी स्पीड आसानी से बता सकते हैं कि आया कि ये वेव्स कितनी तेजी से मूव कर रही है, कितनी तेजी से इसमें लूप जो है फॉर्म हो रहे हैं। और अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हमें आसानी से बस एफ की वैल्यू पर पुट करनी पड़ती है और लैम्डा, जैसे कि लैम्डा यहाँ पर जो है लैम्डा की वैल्यू 2L हो जाएगी, तो 2L मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो मेरे पास जो वेलोसिटी है, अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज ही आ जाएगी, जो भी फ्रीक्वेंसी उस वक्त उन वेव्स की होगी, और लैम्डा की जगह हम लोग 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2L लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि जो फ्रीक्वेंसी कितनी है वेव्स की, इनके लूप्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसके लिए मुझे ये करना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी को यहाँ रखना चाहिए और जो मेरा लैम्डा है वो लैम्डा हमारी स्पीड से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और लैम्डा के बारे में हमें मालूम है कि जो हमारे लैम्डा है वो 2L के इक्वल है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में यहाँ पर अगर मैं ये लिख दूँ कि वी डिवाइडेड बाई 2L, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं वी डिवाइडेड बाई 2L लिख सकती हूँ। और जब हमारे पास एक लूप बना है, यहाँ पर एक लूप बना है, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि मेरे पास F1 फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जब पहला लूप बनता है तो उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है F1 होती है। इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि F1 जो इनर्शियल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो V1 डिवाइडेड बाय 2L। इस फॉर्मूले से हमारे पास इनर्शियल जो है इनर्शियल फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि हमारी इब्तदाई या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है जो एक स्टेशनरी वेव के सेटअप के लिए ज़रूरी है। अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास ना हो तो हमारे पास तो पहला लूप ही नहीं बनेगा, और जब पहला लूप ही नहीं बनेगा तो स्टेशनरी वेव का बनना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब इस फ्रीक्वेंसी की मदद से हम लोग बाकी बनने वाले लूप की फ्रीक्वेंसी आसानी से बता सकते हैं। अब अगर मैं ये कहूँगी यही वो हमारा नायलॉन का थ्रेड या वही वाला रबर बैंड है जिसे हम लोगों ने 2 पॉइंट से फिक्स किया है, पहले सिचुएशन में हमने ये किया कि इसे मिडल से प्लग किया। अब अगर मैं इसे यहाँ से प्लग करूँ कि इस पूरी लेंथ के 1/4 पार्ट से मैं इसे प्लग करूँ, तो होता ये है कि मेरे पास इस तरह से वेव बनेंगी। वन फोर्थ या क्वार्टर पार्ट से जब मैंने इसे प्लग किया तो मेरे पास इस तरह से वेव बनेंगी, और तो ये जो मेरे पास वेव बनी है वो इस तरह से आई है ये, यानी कि मेरे पास तकरीबन 2 लूप बन गए जब मैंने एक क्वार्टर या 1/4 हिस्सा से उसे प्लग किया, उतने पार्ट से प्लग किया तो मेरे पास 2 लूप बन गए। और जब 2 लूप बन जाए तो जो लेंथ होती है उन 2 लूप की वो एक कंप्लीट लैम्डा के बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे ही बात की है कि जब 2 लूप्स आ जाएं तो 1 लैम्डा होता है, और अगर आधा लूप आएगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो वेव लेंथ है वो लैम्डा बाय 2 है, यानी कि हमारी जो लेंथ है उन लूप्स की वो लैम्डा बाय 2 है। लेकिन इस सिचुएशन में चूंकि 2 लूप्स बने इसका मतलब है एक कम्प्लीट लैम्डा है, और अगर मुझे F2 फ्रिक्वेंसी चाहिए, 2 लूप्स की फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो मुझे मालूम है कि V2 इज इक्वल टू F2 लैम्डा, ये वाला रिलेशनशिप इस्तेमाल करूंगी। और फ्रिक्वेंसी मालूम करने के लिए मुझे वेलोसिटी V2 डिवाइडेड बाय लैम्डा करना पड़ेगा। लैम्डा को भी अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ तो 2 का मतलब ये हुआ कि ये दूसरे लूप की, यानी कि जब 2 लूप बन जाए तो उनकी वेवलेंथ के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दूँ कि मेरे पास जो है F2 यहाँ पर V2 आ जाएगा, और लैम्डा 2 की जगह अगर मैं कंप्लीट L लिख लूँ जो उसकी लेंथ है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से L लिख सकती हूँ। और एक और बात, मैथमेटिक्स में ये रूल है कि अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी मैथ्स का डिजिट जो है वो नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी डिजिट है, उसे किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ अगर आप एडिशनल काम कर रहे हैं, खुद से कोई काम कर रहे हैं, तो जो काम आप करते हैं, जैसे कि आप अगर उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये बी है मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 2 से मैंने खुद मल्टीप्लाई किया है और मैं इसे 2 से डिवाइड भी करूँगी। और अगर मैं किसी चीज़ में 2 ऐड करूँ तो मुझे साथ में -2 सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ यहाँ पर
इस तरह से कहूँ कि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और 2 से डिवाइड भी, तो इससे तो कोई हर्ज नहीं पड़ता, 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर भी हमारा रिलेशनशिप यही वाला रिलेशनशिप वापस आ जाएगा। लेकिन मैं एडिशनल काम इसलिए करना चाह रही हूँ कि मैं इस 2 को जो है वो बाहर ले आती हूँ और अंदर जो है इस 2 को अंदर कर देती हूँ, v2 डिवाइडेड बाई 2l। तो ये वाली चीज़, अगर मैं वेलोसिटी को यही कहूँ कि v1 और v2 की वेलोसिटी, जो हमारी पहली वेलोसिटी थी और अब वाली वेलोसिटी, अगर मैं उन्हें सेम मान लूँ, तो मुझे अगर यहाँ पर भी मैं v1 लिख देती हूँ, तो v1 डिवाइडेड बाई 2l जो है हमारी f1 इनिश जो है हमारी फंडामेंटल या इनिशियल फ्रिक्वेंसी थी, तो मैं यहाँ पर अगर उसे लिख दूँ तो ये मेरे पास 2, और इसकी जगह f1 लिख सकती हूँ। तो इसकी जगह f1 लिखने से मेरे पास ये आ गया। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो टू सेकेंड फ्रिक्वेंसी थी, 2 लूप्स की फ्रिक्वेंसी है, वो 2 टाइम्स इनिशियल फ्रिक्वेंसी के इक्वल है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अब हम इस तरह से करें कि ये हमारे 2 रॉड्स हैं, ये दरमियान में वही नायलॉन का थ्रेड है जिसे हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है 2 पॉइंट से, इसे अब मैं 1/5 लेंथ से प्लग करूँ, यानी कि इस पूरे लेंथ को 1 से, जहाँ पर इसका 1/5 पार्ट आता है वहाँ से अगर मैं खींचूँ, यहाँ से खींचना शुरू करूँ, तो मेरे पास जो लूप्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि ये मेरे पास एक लूप आया, ये मेरे पास दूसरा लूप आ गया। तो इस तरह से मेरे पास तकरीबन उस सिचुएशन में 3 लूप बन जाएंगे जब मैं इसे 1/5 पार्ट से प्लग करूंगी। तो अब मेरी जो लेंथ है इस कंप्लीट लूप की, जो लेंथ है वो 3λ/2 है। 3λ/2 किस तरह से होती है कि ये 2 लूप आ गए, इसका मतलब है 1λ कंप्लीट हो गया और साथ आधा लूप आ रहा है, मतलब ये कंप्लीट लूप आ रहा है। लेकिन जब 2 लूप हो तब एक अगली वेवलेंथ होती है। अब हमारे पास सिर्फ 1 लूप आया है, 2 लूप नहीं आए, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट वेवलेंथ और ये एक साथ एडिशनल है, जिसे मैं 1.5 या 3λ/2 लिख सकती हूँ। तो 3λ/2 सिचुएशन में हमारी एल हो गई। और अगर हमें इस सिचुएशन में 3 लूप के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए हो f3, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से आएगी कि 3 को मैं ये वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा इस सिचुएशन में मेरा ये होगा कि 2l से मल्टीप्लाई हो जाए, 2l से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3, तो ये लैम्डा आ गया। और लैम्डा की वैल्यू जब मैं इस सिचुएशन में लगाती हूँ तो v डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय 3, इस 3 को मैं जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि मेरी f3 जो है वो 3 टाइम v डिवाइडेड बाय 2l है। और अगर यहाँ पर भी मैं यही काम करूँ कि v डिवाइडेड बाय 2l को मैं इनिशियल फ्रिक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी लिख लूँ, तो यहाँ पर f1 आ जाएगा 3 टाइम्स और f3। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हमारे लूप भरते चले जा रहे हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उन लूप्स की वो उतनी टाइम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होते चली जा रही है। यानी कि अगर f1 की बात की थी तो वो v डिवाइडेड बाय 2l था, और f2 की बात की थी तो वो 2 डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय 2l आ गया। इसी तरह जब f3 की बारी आई तो वो 3 इस तरह से यहाँ पर v डिवाइडेड बाय 2l आ गया। इसका मतलब है कि इसी तरह से प्रोसीजर जो है आगे चलता चला जाएगा। तो हम इसे समराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी जो n फ्रीक्वेंसी होगी वो n टाइम f1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। यहाँ पर n में कुछ भी आ सकता है, आप n में 0 रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, सो ऑन, कुछ भी आप रख लें, जितने भी आपके लूप्स बनते हैं उन लूप को आप जब इनर्शियल या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उन लूप्स की फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है कि इन लूप्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, इन लूप की फ्रीक्वेंसी क्या है या स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं कि स्टेशनरी वेव्स जो फॉर्म होती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस तरह से बनती है, क्योंकि वो जब स्टेशनरी वेव्स हमेशा तभी बनेंगी जब दो वेव्स हों, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल सेम हो और एक ही लाइन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो जितने भी लूप्स फॉर्म होते हैं आप उनकी मदद से उसकी फ्रीक्वेंसी आसानी से बता सकते हैं, और आप तभी बताएंगे जब आपके पास फंडामेंटल या इनर्शियल फ्रीक्वेंसी मौजूद हो, या अगर ना भी हो तो आप उसे निकाल सकते हो, तो आप आसानी से स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं।